नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सांघी की शिक्षा में। जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर बाय चैप्टर ऑफ रमेश सिंह। ये बिल्कुल डिफरेंट सीरीज है एज कंपेयर टू जो भी चीजें मार्केट में अवेलेबल है या आपको यूट्यूब पे देखने को मिलती है, तो उसको बड़े ध्यान से सधे हुए तरीके से अटेंड करिएगा। और मैंने जिस तरीके से टॉपिक डिजाइन करा है, आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को ये देखने में सुनने में मजा आएगा। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पे चर्चा करेंगे, और जैसा कि मैंने बताया, आप लोग हैं सांघी की शिक्षा में। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज एन एनबीएफसी। एनबीएफसी होता क्या है? एनबीएफसी का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो जब हम बैंकिंग वर्ड यूज करते हैं, बैंकिंग वर्ड में बेसिक चीज क्या आती है? हमें पता है एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर हम जैसे इंडिविजुअल्स या कंपनीज जाके अकाउंट खुलवाती हैं। दे गेट देयर अकाउंट ओपन्ड, अपना अकाउंट खुलवा के उसमें पैसा डिपॉजिट करती है, दे डिपॉजिट मनी, और इन डिपॉजिट्स को यूज करा जाता है फॉर गिविंग आउट लोन्स। ठीक है, इसके जरिए लोन्स दिए जाते हैं जिससे बैंक कमाता है। मतलब बड़ा सीधा प्रोसेस है एक बैंक का। अब यही प्रोसेस जो है एक ऐसी संस्था, एक ऐसी कॉरपोरेशन करती है जो जिसके पास बैंकिंग लाइसेंस ना हो। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का सधा हुआ सीधा मतलब यह है, एक ऐसी संस्था, एक ऐसा बैंक या एक ऐसी कॉरपोरेशन जो बैंक की तरह एक्ट कर सकती है। इट कैन एक्ट लाइक अ बैंक, लेकिन उसको आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया हुआ है जिस तरीके से और बैंकों को दिया हुआ है। तो उन सभी के नाम आप जानते हैं जो नॉर्मल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक जिन्हें कहा जाता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक्स हो, कोई भी बैंक हो, उन सबको बैंकिंग लाइसेंस जो है दिया जाता है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अगर बैंकिंग में कुछ गैप है, उस गैप को भरने के लिए बनाया गया है, और ये कंपनी कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत रेगुलेट नहीं किया जाता, बल्कि कंपनीज एक्ट के तहत रेगुलेट किया जाता है। एनबीएफसी और बैंक के बीच में डिफरेंसेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन एनबीएफसीज के अंदर कई सारे डिफरेंसेस हैं, जिसमें मेजर चीज यह है कि एनबीएफसीज काफी ऐसी चीजें हैं जो नहीं कर सकता जो नॉर्मल बैंक्स कर सकते हैं, व्हाट नॉर्मल बैंक्स कैन डू। तो जब मैं एनबीएफसीज की बात करता हूं, तो इस ग्राफिक के जरिए आपको यह चीज क्लियर होगी कि किस तरीके से एनबीएफसीज ऑपरेट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। तो मान लीजिए ये एनबीएफसी है, दिस इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में जो अकाउंट होल्डर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, वो डिपॉजिट करते हैं, वो अपनी एफडी बनाते हैं, जो फंड्स होते हैं मार्केट फंड्स, वो अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट करते हैं, और पब्लिक फंड्स जो है वो भी अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी पैसा डिपॉजिट करता है, एनी पर्सन कैन डिपॉजिट मनी। एनबीएफसीज कलेक्ट कैपिटल फ्रॉम ऑल दीज पीपल, फंड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, यहां से पैसा जो है कलेक्ट किया जाता है। एनबीएफसीज जो है इनको लोन्स जो है ग्रांट करते हैं, जो भी कैपिटल कलेक्ट होता है इसके जरिए लोन्स ग्रांट किए जाते हैं प्राइवेट एंटिटीज को, जो कंपनीज हो सकती है उनको दिया जाता है, इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ग्रुप्स को दिया जाता है, हालांकि इनको जरूरत नहीं है पीएसएल को देने की, या स्टार्टअप्स को भी दिया जाता है। तो उन सभी लोगों को फंड्स लेंड किया जा सकता है, मोटा मोटा यू कैन गिव इट टू एनीवन। इस कैपिटल के अवज में आप जो है आप रिसीव करते हो ब्याज, इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट मिलता है। जाहिर सी बात है, अगर आपने लोन दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा इंटरेस्ट का आप डिपॉजिट होल्डर्स को भी देते हो, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट के लिए ही अकाउंट खोला है। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक एनबीएफसी काम करती है। अब आप पूछोगे इस एनबीएफसी में और नॉर्मल बैंक में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल सही सवाल उठता है। तो
तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे, आप चिंता ना करें, वील डिस्कस एवरीथिंग। तो एनबीएफसी कहां कहां से पैसा रेज करता है, कहां कहां से कैपिटल कलेक्ट करता है, कौन एनबीएफसी में पैसा डालते हैं, कैपिटल डालते हैं। तो फंड रेजिंग कहां कहां से होती है, पब्लिक फंड्स, पब्लिक फंड से पैसा आता है, डिपॉजिट्स, जो लोग डिपॉजिट कर सकते हैं या डिपॉजिट करते हैं, टर्म डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स के जरिए यहां से पैसा आता है। फिर ये शेयर्स और डिबेंचर्स के जरिए भी पैसा आता है या जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसमें, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें अकाउंट खोलकर पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। सो दीज आर दी एंटिटीज दैट कैन ओपन एन अकाउंट इन एन एनबीएफसी एंड दे कैन रेज फंड्स। तो रेजिंग फंड्स में चाहे आप स्टॉक मार्केट से पैसा रेज करो, चाहे आप IMF से पैसा रेज करो, विच इज अनदर बैंक, और ये भी अकाउंट पे भी खोल सकता है और पैसा भी डिपॉजिट कर सकता है। पब्लिक फंड्स और डिपॉजिट्स के जरिए तो आपको पैसा आता ही है, यू गेट द मनी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बैंक इतना अच्छा है या बैंक भी इसी तरीके से ऑपरेट करता है जो मैंने आपको ग्राफिक दिखाया, तो एनबीएफसी की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई एनबीएफसी, हाईली इंपॉर्टेंट, एनबीएफसी की जरूरत पड़ती क्यों है। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा एनबीएफसी के फायदे, एडवांटेजेस क्या है। बैंकिंग लाइसेंस ना होने के बाद भी एनबीएफसी के कई फायदे होते हैं, जिसमें से सबसे पहला फायदा होता है, द फर्स्ट बेनिफिट इज कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज। कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज का मतलब है इसकी कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच है, जो जो कंज्यूमर चाहता है वो एनबीएफसी प्रोवाइड करता है, जैसे कि इजी लोन्स प्रोवाइड करना। तो द कस्टमर सर्विसेज ऑफ बैंक्स आर बेटर एज दे रिलाय प्राइमरीली ऑन लेंडिंग टू रन देयर बिजनेस, व्हिच इज व्हाई लेंडर्स आर गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो यहां मतलब एनबीएफसी की बात हो रही है, तो एनबीएफसी जो है वो अपने बोरोवर्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है, क्योंकि वो सिर्फ लोन लेने के लिए ही एनबीएफसी आते हैं। मैक्सिमम लोग लोन्स लेने के लिए ही एनबीएफसी आते हैं, क्योंकि नॉर्मल बैंक्स में और भी सर्विसेज मिलती है, और नॉर्मल बैंक्स के लोन्स में और एक दिक्कत है, जो कि है प्रोसीजर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। केवाईसी करो, सीबिल स्कोर दो, कोलैटरल, एनबीएफसी में ये दिक्कतें नहीं है। एनबीएफसी का प्रोसेस काफी सिंपल है, जहां पे पैसा चढ़ाया जाता है बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क में लोगों को नहीं फंसाया जाता इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ लोन्स। तो ये जल्दी होता है, इट इज क्विकर, इट इज इजियर, एंड इट इज नॉट एज कंबरसम, उतना भारी भरकम जो है हिसाब किताब एनबीएफसीज में नहीं चलता। तीसरा है दैट दे ऑफर अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन डिपॉजिट्स। मतलब जो भी डिपॉजिट होल्डर्स ने पैसा डिपॉजिट करा, तो बेटर इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट्स फॉर हायर क्रेडिट रिस्क। तो ये मतलब क्योंकि भाई अगर आप बैंक में अकाउंट खोल के पैसा डिपॉजिट करते हो तो रिस्क कम है मेरा। एनबीएफसी में अकाउंट खोल के अगर मैं कोई राशि डिपॉजिट करता हूं तो मेरा रिस्क ज्यादा है, क्योंकि मेरा रिस्क ज्यादा है इसलिए रिवॉर्ड भी ये ज्यादा देते हैं। तो एवरेज बैंक अगर 5-6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है एफडी पे, तो एनबीएफसी आपको 7% से ऊपर देगा, 7% प्लस देता है। ये तीसरा बेनिफिट है। और चौथा बेनिफिट है दैट पेमेंट की या पेमेंट रीपेमेंट ऑफ ईएमआईज या लोन्स की जो टाइमलाइंस है वो फ्लेक्सिबल है। Flexibility and timelines in meeting the credit needs of specified sectors, कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा तलवार नहीं लटकेगी यदि आपको पैसा वापस करना है, आपको और टाइम चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैंक्स के कंपैरिजन में एनबीएफसी जो है वो थोड़े से ज्यादा आपको सर्विसेज और इजीनेस प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से अगर आप लोग चाहें तो आप एनबीएफसी में अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, यू कैन गेट एन अकाउंट ओपन्ड इन द एनबीएफसी। तो अगर हम ब्रॉड डिफरेंसेस देखें बैंक्स और एनबीएफसीज के बीच में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, किसी भी एग्जाम में ये पूछी जा सकती है कि बैंक में ऐसा क्या होता है जो एनबीएफसीज में नहीं होता। आइए देखते हैं। बैंक्स जो है वो डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब है जो पैसा हम करंट अकाउंट डिपॉजिट्स या सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स में डालते हैं, बैंक में आपका होगा ना करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट डालते हैं, उनको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। ये चीज बैंक में हो सकती है, ये एनबीएफसी में नहीं हो सकती, इट कैनॉट हैपन इन एन एनबीएफसी। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, एनबीएफसी क्योंकि ये चीज नहीं हो सकती, ये डिमांड ड्राफ्ट और चेक्स की फैसिलिटी जो है एनबीएफसी प्रोवाइड नहीं करता, बैंक करता है डिमांड ड्राफ्ट भी चेक भी। तो यहां पर ना तो डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है और ना ही चेक्स हो सकते हैं,
क्योंकि ये उस अकाउंट की सुविधा नहीं देते हैं और एनबीएफसी की चेकबुक्स नहीं बनती है। क्योंकि चेकबुक्स नहीं बनती है इस वजह से एनबीएफसी डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म। मैंने आपके नाम पे चेक इशू करा, आप बैंक में जाओगे, आपका बैंक दूसरे बैंक के साथ सेटल करेगा, तो उसको बोलते हैं पेमेंट एंड सेटल मैकेनिज्म, जो कि यहां पर होता है बैंक्स में, एनबीएफसी में ये चीज नहीं हो सकती। और आखिरी जो डिफरेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि अगर कोई बैंक डिफॉल्ट करे या दिवालिया निकल जाए बैंक का या बैंकक्रप्ट हो जाए, तो बैंक के केस में आप इंश्योरेंस से कवर्ड हो। यू आर कवर्ड बाय इंश्योरेंस फ्रॉम द इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसमें आप कवर्ड है नॉर्मल बैंक में, एनबीएफसी में आप कवर्ड नहीं है। कल को एनबीएफसी कोई बंद करके भाग गया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो ब्रॉड डिफरेंसेस ये हैं जो कि हर एक एग्जामिनेशन में, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि बैंक्स ऑपरेट करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जरिए, एनबीएफसी करता है कंपनीज एक्ट, और एनबीएफसी को बैंकिंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है जबकि बैंक को है। तो ये डिफरेंसेस जो स्लाइड में दिए हैं, ये सबसे प्रॉपर डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी। अब आगे लेकर चलते हैं, जैसा मैंने आपको बोला कि दिस वीडियो इज एवरीथिंग अबाउट एनबीएफसी, सब कुछ एनबीएफसी के बारे में जो आपको जानना है वो इस वीडियो में मिलेगा, आज तक की पूरी अपडेट। एनबीएफसी ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह का होता है। आप कुछ किताबें देखेंगे उसमें लिखा होता है एनबीएफसी डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट करता, बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि एनबीएफसी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और दूसरे होते हैं नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जैसे कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं डिपॉजिट नॉन डिपॉजिट टेकिंग और डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के। तो डिपॉजिट टेकिंग जो एनबीएफसी हैं, जो कि लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, उनको कुछ एक स्पेसिफिक रेगुलेशन का भी पालन करना पड़ता है। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी टू गेट रजिस्टर्ड विद RBI कंपनीज एक्ट 1956 विद अ मिनिमम नेट ओन्ड फंड ऑफ 2 करोड़। कम से कम नेट ओन्ड फंड होगा 2 करोड़ का, उसके जरिए आप यहां पर जुड़े। सो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। यदि आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो यह जरूर चेक करें कि अगर आप डिपॉजिट देना चाहते हैं तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जैसी कंपनीज में आप डिपॉजिट कर सकते हैं पैसा। तो क्या फर्क हुआ ब्रॉडली, दे कैन एक्सेप्ट टर्म एंड फिक्स डिपॉजिट। ये चीज जो है, ये बेसिक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो यहां पर नहीं मिलता है। तो पैसा कोई भी डिपॉजिट, तो म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनीज ये भी हो सकती है डिपॉजिट टेकिंग, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी LIC, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एसेट फाइनेंस कंपनी, ये सब कर सकते हैं। ये सारी एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग है। और यहां पर क्या एग्जाम्पल हो सकता है, लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये सारी नॉन डिपॉजिट है। और यहां पर निधि कंपनीज भी आ सकती है, सो निधि कंपनीज कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। तो ये स्पेसिफिक डिफरेंस है दोनों के बीच में जो आपको ध्यान रखना है। अब पॉइंट ये है कि डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी को आरबीआई के कुछ रूल से अग्री करना होता है। टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ रेगुलेशन, सर्टन एनबीएफसी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्टरिंग विद आरबीआई। इनको एग्जेम्प्ट कर दिया है फ्रॉम रजिस्टरिंग विद आरबीआई, विच आर ऑलरेडी रेगुलेटेड बाय अदर इंडिपेंडेंट बॉडीज। अब ऐसी कौन सी एनबीएफसी है, वेंचर कैपिटल है, VCs। ये इसको एनबीएफसी नहीं बोलोगे लेकिन मोटा मोटा कॉन्सेप्ट वही है। वेंचर कैपिटल जो होते हैं वो रईस लोगों से पैसा इकट्ठा करके फंड बनाते हैं और उसे आगे इन्वेस्ट करते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो कई सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, कुछ कुछ डिफॉल्ट भी करी है, DHFL टाइप, चिट फंड कंपनी, निधि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी है वो IRDA के रेगुलेशन के थ्रू होगी रेगुलेट, तो RBI एक्ट के थ्रू ये चीज रेगुलेट नहीं होगी, इट विल नॉट बी रेगुलेटेड। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और चीजें हैं, रेगुलेशंस हैं एनबीएफसी को लेके जो कि बुक में दिए हुए हैं। जैसे डिपॉजिट जो है, अगर जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है वो 12 to 60 मंथ, 5 साल के लिए होंगे। इट कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, ये जो डिपॉजिट्स हैं ये टर्म या फिक्स डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स नहीं है। कैनॉट ऑफर इंटरेस्ट मोर देन आरबीआई, आरबीआई द्वारा बताया गया इंटरेस्टेड उससे ज्यादा नहीं होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग जो है प्रोवाइड करी जाती है,
डिपॉजिट्स जो है वो इंश्योर्ड नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इन एनबीएफसी इज नॉट गारंटीड बाय आरबीआई, वही क्योंकि ये इंश्योर्ड नहीं है इसलिए आरबीआई गारंटी नहीं करता। तो एनबीएफसी को लेके एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई सन 2017 में कि आरबीआई ने दो नए तरह के एनबीएफसी इंक्लूड करे। ये जानिए बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पहला तो था पी टू पी एनबीएफसी पीयर टू पीयर और दूसरा था अकाउंट एग्रीगेटर। तो पीयर टू पीयर एनबीएफसी का मतलब है कि ये दो पेयर्स को कनेक्ट करता है, जैसे कि मुझे और आपको कनेक्ट करा। अब आप ये बोलेंगे कि सर मुझे ये क्लासेस देनी है, ये कोर्स खरीदना है, बट पैसे नहीं है, तो मैं इस एनबीएफसी के जरिए आपको पैसा दे सकता हूं लोन पे, तो आप उसका लोन कम इंटरेस्ट मुझे वापस करेंगे। और जो मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू आप हम दोनों ये काम करेंगे, पी टू पी लेंडिंग बोलते हैं इसे, वो एनबीएफसी होगा। सो इट मैचेस राइट बोरोवर विद राइट लेंडर डिजिटली बट कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स नहीं होगा, डायरेक्ट आप लोन दे, एनबीएफसी को आप पैसा डिपॉजिट नहीं करोगे। इट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक लोन रिकवरी, क्रेडिट असेसमेंट, प्रोफाइल वेरिफिकेशन, ये सब एनबीएफसी देगा कि प्रोफाइल वेरिफाइड है, सब कुछ है, आप लोन दे सकते हो। तो इसमें एनबीएफसी की जो जिम्मेदारी है वो उतनी है, पैसा देना लेना एनबीएफसी के हाथ में नहीं है, वो आप अपनी मर्जी से देते हैं और आप रिकवर करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पी टू पी पीयर टू पीयर लेंडिंग। दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ है वो है अकाउंट एग्रीगेटर। तो अकाउंट एग्रीगेटर किस तरीके से काम करता है, हाउ डज इट वर्क, कि एक कस्टमर जो है मान लीजिए ये अपना पूरी अथॉरिटी देता है एक अकाउंट को या जो भी एग्रीगेटर है कि आप मेरा सारा का सारा डेटा जो है वो शेयर कर सकते हो। किसके साथ? बैंक्स, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, किसी के साथ भी आप कर सकते हैं। यू कैन गिव दिस इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी, कंज्यूमर की मंजूरी के बगैर आप ये नहीं कर सकते, कंज्यूमर आपको एक्सेप्टेंस देगा, ऑथराइज करेगा, आप ये कर सकते हैं। और इस तरफ जो है लेंडर्स, पर्सनल फाइनेंस मैनेजर्स, इंश्योरेंस वाले जो है ये अप्रोच कर सकते हैं या डेटा के लिए आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यू कैन बी लिंक्ड विद दिस ऑन द बेसिस ऑफ योर इंफॉर्मेशन। तो अकाउंट एग्रीगेटर, एग्रीगेटर का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सारा का सारा डेटा हर एंटिटी का जो है उसको इकट्ठे एकजुट लेकर आएगा या एक जगह लेकर आएगा। लेंडर्स, पर्सनल फाइनेंस मैनेजर्स जो है वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। और आखिरी में कुछ कुछ ऐसे रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं एनबीएफसी को लेके, वो क्या चेंजेस हैं ये आपको बताते हैं। अभी तीन कैटेगरी एनबीएफसी के हैं, एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी। दे वर मर्ज्ड इनटू अ न्यू कैटेगरी एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, एनबीएफसी आईसीसी। इस तरीके से ये मर्ज कर दिया गया है, तीनों चीजें मर्ज कर दी गई है। तो ये आपको प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है, इट हैज बीन मर्ज्ड। सर्वे 2023 का डेटा क्या कहता है, इट कुड अब्सॉर्ब द शॉक्स ऑफ द पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक में कई लोगों के डिफॉल्ट हुए तो इस वजह से लोन्स वापस रिकवरी में दिक्कत हो रही है। एंड वर इन स्ट्रॉन्ग पोजिशन बाय द एंड ऑफ द ईयर एंड देयर एसेट क्वालिटी इंप्रूव्ड विद डिक्लाइनिंग ग्रॉस एनपीए टू 5.7%। एनपीए का मतलब तो आप जानते हैं डिफॉल्ट्स, तो एनपीएस जो है यहां पे कम हुए पैंडेमिक के बाद, मतलब एनबीएफसी जो है वो स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। और आखिरी में उनका जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो है, जो बेजल नॉर्म्स द्वारा बताया जाता है या बाजल नॉर्म्स द्वारा बताया जाता है, नॉर्मल बैंक्स के लिए जितना होता है उससे ज्यादा परसेंटेज पे इनको मेंटेन करना पड़ता है और ये करते। सो सीआरएआर वाज 27.4 हायर देन मैंडेटरी 15%, मतलब 27.5, बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बोलते हैं इसे। फॉर प्राइवेट शेड्यूल्ड बैंक्स इट्स 9% एंड फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स इट्स 12%। तो आप ये समझ के चलिए 27.5 था और ये मेंटेन करने का जो है उनको बेड़ा दिया गया है, तो वो कर ही रहे होंगे। सो दीज आर द रेगुलेटरी चेंजेस दैट यू हैव टू रिमेंबर, और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि एवरीथिंग अबाउट एनबीएफसीज क्या आपको क्लियर हुआ, और आप जुड़ सकते हैं मुझसे इस हैंडल पे आयुषसांघी.card.co, जिसपे आपको मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स मिलेंगे। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि क्या आप ये सीरीज देखना चाहते हैं। दैट वुड बी ऑल, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।